एक्शन स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है परफेक्शन आई एस सिक्सटी नाइन नयास का पहला टेस्ट सीरीज है जो कि सब्जेक्ट वाइज है ये मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज है इसमें टोटल डेढ़ सौ क्वेश्चन होंगे अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार करें इसका पहला स्टेटमेंट है बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगालियों का एक अधिकार रहा यह स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट है इन्होंने कोचिन गोवा दमन में फैक्ट्री खोली यह भी सही है तीसरा स्टेटमेंट है इन्होंने आराम से व्यापार के साथ शक्ति का प्रयोग किया यह भी सही है चौथा स्टेटमेंट है अल्बू कर्क ने गोवा पे पंद्रह में अधिकार किया यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अल्बू कर्क ने पंद्रह में गोवा पे अधिकार किया था इस स्टेटमेंट के अनुसार इसका आंसर सी हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन है जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तु का अत्यंत योग और कर्मठ वजीर जुल्फी कार खा के हाथों में था इसने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए जिनमें शामिल नहीं था तो इसका आंसर सी हो जाएगा जय जाए सिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया तीसरा क्वेश्चन है ये किसने कहा था कि यह फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा इसका आंसर बी हो जाएगा लॉर्ड डलहोजी चौथा क्वेश्चन है अठारह के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन असत्य है इसका आंसर ए हो जाएगा क्योंकि विद्रोह का आरंभ मेरठ से हुआ था दिल्ली से नहीं पांचवा क्वेश्चन है हैदराबाद राज उत्तर मुगल काल के समय की स्थापना किसने की इसका आंसर भी हो जाएगा निजामुल मुल्क छठा क्वेश्चन है बंगाल के नवाबों में से किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया इसका आंसर होगा अलीवर्दी खा ऑप्शन ए सातवां क्वेश्चन है टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें वो असत कथन का चयन करें इसका आंसर ए होगा अंग्रेजों के हाथों सत्रह में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया आठवां क्वेश्चन है बिहार में परमानेंट सेटल लागू करने का कारण था इसका होगा ऑप्शन सी भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करना चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह को सतायुक्त जमींदारों और धार्मिक नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था याद इस विद्रोह का मुख्य कारण था तीर्थ स्थानों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध दूसरा क्या सत्रह में बंगाल में पड़ा भयंकर अकाल अकाली भी सही है पहला भी सही है तीसरा जमींदारों ने उनकी जमीन का छीना यह गलत है जमींदारों के द्वारा उनकी जमीन नहीं छीना गया था कनेवल केवल एक और दो होगा अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं निम्नलिखित कथन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का था आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंग गणित में अधिक प्रतिभाशाली थे तो याद बताइए इसका क्या होगा तो याद रखना कि वारेन हेस्टिंग ने कहा था ये बात चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं क्या है? लगभग एक शताब्दी तक पुर्तगाली दक्षिण भारत में छाए रहे खुले समुद्र पर उनका राज चलता था इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था तो याद रखना है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था इसलिए उन्होंने मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं क्या है कह डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है तो बताइए कौन सा कथन असत्य है याद रखना है कि डचों ने पटना में अपने कारखाना सोलह तिरसठ में स्थापित किया था यह मतलब गलत है यह सोलह सौ तिरसठ में स्थापित नहीं किया था चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं क्या है कड़ वर्ष सोलह सतासी में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने कहा के गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करे और राजस्व का सुरक्षित और इसका इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत में एक बड़े मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज की नींव डाली जा सके तो बताइए कहाँ की कौन सा जगह था तो याद रखना है कि मद्रास था कौन सा था मद्रास था चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं क्या है करा क्या वर्तमान कलकत्ता की नींब सोलह सौ अंठानवे में पड़ी थी जिसमें उस समय कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं थे याद रखना चौबीस पर गना शामिल नहीं था चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं क्या है करा ईस्ट इंडिया एक कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है यहाँ बता रहा है कौन सा कथन असत्य है बताइए याद रखिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी सोलह सके चार्टर चार्टर्ड में कैप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार कंपनी को दस वर्ष के लिए दिया गया यह स्टेटमेंट मेरा गलत है चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं क्या है करा अंग्रेजों ने भारत में जिस राज्य को सबसे पहले अपने अधीन किया वह बंगाल था इसके अनेक कारण थे आर्थिक कारणों में कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था बताइए कौन सा कारण इनमें से महत्वपूर्ण कारण नहीं था तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था याद रखना है कि मुगल सम्राट पूरी तरह से अंग्रेजों को संरक्षण देता था ये गलत है सॉरी हाँ ये गलत है स्टेटमेंट चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं क्या है करें किसने प्लासी युद्ध के बारे में टिप्पणी की कि भारत के लिए शाश्वत दुख की कला काली रात का आरंभ हुआ बताना है कि कौन सी काली रात का आरंभ हुआ तो याद रखना कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आप लोगों का ए होगा नवीन चंद्र सेन ने चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं कंपनी के अधिकारों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूटो मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहो हाथ डाल लो उपयुक्त कथन संबंधित है बताइए उपयुक्त कथन जो है किसने कहा था तो याद रखना किसने कहा था कर्नल मालसन ने कहा था अगला क्वेश्चन अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हड़पने के लिए बेलेजली ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया था कौन सा उपाय था व्यपगत नीति चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं किसने घोषणा की काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है एक योद्धा की तरह मर जाना तो बताइए इसका आंसर क्या होगा टीपू सुल्तान चलिए अगले क्वेश्चन पर निम्नलिखित कथन किसका है बताइए हमें सिंधु पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक है उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा बताइए इनमें से कौन सा होगा याद रखना इनमें से कोई नहीं चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया याद रखना कि सत्रह का पिट्स इंडिया एक्ट है चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं बारदोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है तो याद रखना कि तीनों जो कथन ना बारदोली सत्याग्रह के बारे में सत्य है तो क्या होगा उपयुक्त सभी चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष ने टिप्पणी की हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज तरह कार्य करती है जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ सोकर कर थेम्स नदी के तट पर निचोड़ देती है बताइए किसने कहा था याद रखना जान सुलविन ने कहा था, था। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं एनिबेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है कि एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है तो याद रखना कि इन्होंने अपने को सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते क्या है राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बीस वर्षों में डैश था बताइए क्या होगा इसका आंसर तो याद रखना उपयुक्त सभी होगा चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा सम्मिलित नहीं है बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है तो बताना है कि कौन सा जवाहरलाल नेहरू जो इलाहाबाद से था ये युग में सही नहीं है अगले क्वेश्चन पे है भारत में हेरैयतवारी व्यवस्था को किसने अपनाया तो बताइए क्या होगा इसका आंसर कौन सा रीड और मुंड्रो बता रहे हैं कि मैं इस क्वेश्चन को इसलिए इतना फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना परफेक्शन आई का प्रीलिम्स का पहला टेस्ट है और इसका आप लोग को जो भी आप लोगों को पी होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा तो पूरा डिस्क्रिप्शन टोटल आप लोगों को ब्रीफ के साथ बताया गया है कि क्या क्या इसका आंसर होगा उसका एक्सप्लेनेशन भी उसमें दिया गया है तो मैं चाह रहा हूँ कि टोटल डेढ़ सौ क्वेश्चन है इसलिए चाह रहा हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी करके आप लोग पता चल जाए किस टाइप का क्वेश्चन आता है चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं क्या है? कर्ण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है बताना कि ट्वेंटी का क्या आंसर होगा याद रखना कि इनमें अठारह नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला ये कथन असत्य है चलिए अगले क्वेश्चन जाने विनोदीसी दासी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए बताइए तीन कथन है तीनों कथन में से विचार कीजिए कौन सा कथन आप लोग को सही है तो याद रखना कि केवल कथन फर्स्ट उर्दू सही है चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं किसने सत्रह सौ इक्यानवे में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की बताइए किन्होंने ने स्थापना याद रखना जोनाथन डंकन ने

निम्नलिखित रत्नों में कौन सा कथन संबंधित बता राजा राय मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग की महत्व को पूरी तरह समझा वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन और क्रियाओं के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के आपसी भाईचारा में निहित है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा किसने कहा तो याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं हेनरी विवियन डेरोजियोक से संबंधित असत्य कथन पर विचार कीजिए बताइए कौन सा कथन असत्य है याद रखना इनकी मृत्यु बत्तीस वर्ष की अवस्था में हेजा <laughs> से हुई नेक्स्ट क्वेश्चन अठारह सौ इक्यावन में ज्योतिबा फूले और उसकी पत्नी ने कहाँ पर लड़कियों लर्क, के लिए एक स्कूल खोला तो याद रखना है कि कहाँ खोला है? पुना में चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कौन सा कथन असत्य बताना है कि चार ऑप्शन दिया चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन असत्य याद रखना ऑप्शन नंबर सी है रानी लक्ष्मीबाई से लड़ हुमयू से लड़ते हुए सत्रह मई अठारह को वीर गति को प्राप्त हुई ये कथन असत्य है चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं अठारह के विद्रोह को दबाने में किस सैनिकों को ख्याति प्राप्त हुई बताइए टोटल छः छः स्टेटमेंट है छः स्टेटमेंट को बताइए आंसर क्या होगा तो याद रखना है कि जितना छो जो है ना छो ने सैनिक ख्याति प्राप्त हुई चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गलत नहीं है बताइए तीन कथन है तीनों कथन में से बताने कौन सा कथन गलत नहीं है तो याद रखना है जो कथन एक और तीन जो है ना गलत नहीं है चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं अठारह की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने सेना के ढांचे में अनेक परिवर्तन किए कौन सा निम्नलिखित कथन असत्य है बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है याद रखना ऑप्शन नंबर सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया और बंगाल की सेना में यह अनुपात वन इंस टू वन था चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है तो याद रखना कि दी री डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की लेखक जवाहरलाल तो यह कथन असत्य है चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है अठारह में तिलक को किस अपराध के कारण जेल की सजा हुई बताइए किसके कारण सजा हुई थी तो याद रखना है अपने भाषा तथा लेखों द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के कारण चलिए अगले क्वेश्चन पे ब्रिटिश सरकार में जो शासन में भारतीय मजदूरों की हालत का वर्णन जर्मनी के किस प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने उन्नीस में इन शब्दों में किया था आधा पेट खाकर रहने वाला जानवरों की तरह प्रकाश हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से है बताइए किसने कहा था तो याद रखना किसने कहा था यूग्रेन कुत्सिकी ने चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया बताइए किस ईस्वी में मुक्त किया था याद रखना अठारह में नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मिलित करें तीनों ऑप्शन है उसको शुमिलित कीजिए किसका क्या सही है नहीं है तो बताना है कि किसका कौन सा सही है कि नहीं है याद रखना क्या होता है ऑप्शन नंबर एक क्या सही है चलिए अगले क्वेश्चन पे अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गाँव की कवच की इस्ता को रेल से भेज दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को छीन कर छीन कर दिया उपयुक्त कथन किसका है बताइए इन जो कथन है अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गाँव के कवच की, की इस्पात को रेल ने भेज दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को छीन लिया ये कथन किसने कहा था तो याद रखना है ये कथन डी एच बुनाकान ने कहा था बुकानान ने कहा था भारतीय अस्तलिपों की तबाही के बारे में निम्नलिखित कथन किसका है इस दरिंदा के समान दरिंद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही है बताइए किसने कहा था तो याद रखना है किसके द्वारा ये कहा गया था तो याद रखना किसने विलियम वेंटिक के द्वारा कहा गया था चलिए अगले क्वेश्चन क्या है भारत में पहली कपड़ा मिल अठारह में बम्बई में किसके द्वारा शुरू किया गया याद रखना किसके द्वारा कावस जी नाना भाई के द्वारा अस्था, स्थापित किया गया था चलिए अगले क्वेश्चन पे नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न का संजीव चित्रण किसने अपने नाटक नील दर्पण में किया बताइए किसने अपने नील दर्पण में किया याद रखना है दीनबंधु मित्र ने किया था चलिए अगले क्वेश्चन पे उन्होंने महिला शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी बाल विवाह के वर प्रथा को शक्ति से चुनौती दी और पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए पैंतीस स्कूल की स्थापना की उन्होंने कुलीन ब्राह्मीण बहुविवाह की तत्कालीन प्रचलित समाज प्रथा के खिलाफ भी एक दृढ़ लड़ाई लड़ी निम्न में किसके उपलब्धियों का श्रेय दिया जाता है बताइए इनमें से ये जो कथन कहा गया किनके उपलब्धियों के श्रेय दिया गया तो याद रखना है किसके ईश्वरचंद विद्यासागर चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या अठारह में लंदन में दादा भाई निरौजी ने स्थापित किया बताइए क्या स्थापित किया था तो याद रखना है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन चलिए अगले क्वेश्चन पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय इसके उद्देश्यों में से शामिल नहीं था बताइए कौन सा इसमें से शामिल नहीं था याद रखना है देश को स्वतंत्र की तरफ धीरे धीरे अग्रसित करना चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया बताइए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था तो याद रखना सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत ए हो ह्यूमिन ने दिया था चलिए अगले क्वेश्चन पे कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया बताइए कौन सा अधिवेशन को संबोधित कौन सा अठारह सौ नब्बे अधिवेशन को संबोधित किया था राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने अपनी जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने के लिए लगा दिया बताइए किसने किया था याद रखना कि ये तीनों ने कहा था किसने सॉरी उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन नंबर डी होगा ये तीनों में से कोई नहीं कहा था चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है कया कांग्रेस की स्थापना के बाद कब प्रथम बार एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूजा तथा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम होली जलाई गई बताइए किस ईस्वी में जलाई गई थी में याद रखना में जलाई गई थी तो अठारह में जलाई गई थी चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं क्या डॉल्फिन ने किस वर्ष एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हिंसा लड़ाई तो किसमें अठारह में नेक्स्ट क्वेश्चन 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी विधवा पुनर्विवाह की पर था नेक्स्ट क्वेश्चन अठारह ईस्वी में ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने के कारण क्या थे बताया है इसका क्या थे कारण इसके द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह नेक्स्ट क्वेश्चन आर्य समाज की किस योजना ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया बताइए किसने दिया था शुद्धि आंदोलन ने नेक्स्ट क्वेश्चन किसका विचार था हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तथा मुसलम इस्लाम का संयोग एक ही एकमात्र आशा है तो बताइए किसने कहा था तो याद रखना है किसने स्वामी विवेकानंद ने नेक्स्ट क्वेश्चन विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस ईस्वी में की थी याद रखना अठारह में की थी चलिए अगले क्वेश्चन पे जाए किसने कहा था कि जिस देश कोयला एवं लोह अयस्क का भंडार हो तथा संचार एवं परिवहन व्यवस्था विकसित हो जाए तो वहाँ औद्योगिकरण होगा बताइए किसने कहा था तो याद रखना है कार्ल्स मार्ग ने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन थियोरो थियोसोफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यालय कब खोला गया था बताइए किस ईस्वी में, गया किस में खोला गया था में अठारह में खोला गया था नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताइए इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है क्या वो उपयुक्त सभी चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है मोहमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुआ बताइए किस ईस्वी में और कहाँ हुआ था याद रखना है अठारह में और कलकत्ता में हुआ था अगला क्वेश्चन क्या है किसका कथन है हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं तो क्या होगा इसका आंसर याद रखना सर सैयद अहमद खान ने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में शामिल नहीं थे बताना है कि अलीगढ़ कौन सा शामिल थे सैयद मुश्ताक हुसैन चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं करा अठारह सौ इक्यावन में रहमानी मजदायसन सभा का आरंभ किसने किया तो बताना है क्या किसने किया सभी ने किया था चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं अखिल भारतीय है, हरिजन संघ की स्थापना कब हुई बताइए कब हुई थी याद रखना उन्नीस ईस्वी में हुई थी अगले क्वेश्चन पे चलिए क्या है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कुट की सहायता से सही उत्तर चुने तो बताइए कौन सा सही उत्तर है तो याद रखना केवल एक जो है ना सही आंसर है चलिए अगले क्वेश्चन 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर छः वर्ष के लिए कहाँ रखा गया बताइए तिलक को कहाँ रखा गया था याद रखना मांडेल मांडले जेल में रखा गया था अगला क्वेश्चन क्या निम्नलिखित महापुरुषों को उसके कर्तव्य की सही सुमेलन का पहचान बताइए। इसमें कौन सा सही होगा बताना है तो याद रखना केवल दो और तीन सही है चलिए अगले क्वेश्चन पे है 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी बताइए किसके द्वारा किया गया था याद रखना आगा खां प्लस नवाब मोहसिनुलमुक्क ने किया था चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है उन्नीस में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का घोषणा उद्देश्य किया था बताइए इसका घोषणा का उद्देश्य क्या था याद रखना कांग्रेस की नीतियों को सामाजिक मोड़ देना अगला क्वेश्चन क्या है बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किस आंदोलन के दौरान दिया था बताइए इसका क्या होगा आंसर तो याद रखना होमरूल आंदोलन के दौरान दिया था चलिए अगले क्वेश्चन पर क्या है किस पत्र और पत्रिका ने एक विज्ञापक विज्ञापन छापा भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है तनख्वाह मौत इनाम शहादत पेंशन आज़ादी लड़ाई का मैदान भारत है बताइए तो याद रखना गदर चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस इतिहास में पहली बार विशेष अधिवेशन का आयोजन कब किया गया बताइए कब किया गया था उन्नीस सौ अठारह में किया गया था चलिए अगले क्वेश्चन में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल नहीं थे बताइए कौन सा शामिल नहीं याद रखना कौन सा मोती लाल नेहरू शामिल नहीं थे चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं क्या असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था बताइए किसने कहा याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने कहा था चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं चोरी चोरा हत्याकांड के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया बताइए चोरी चोरा हत्याकांड के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार याद रखना कि 10 मार्च 1922 को किया गया था अगले क्वेश्चन क्या अपरिवर्तनवादी लोगों में शामिल नहीं थे बताइए अपरिवर्तनवादी लोगों में शामिल नहीं थे तो याद रखना कौन सा सी आर दास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिसंबर उन्नीस में किसने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की बताइए किसने की थी याद रखना किसने सी आर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर की थी चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं अठारह के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी बताना है कि इसका भूमिका क्या थी याद रखना है क्या थी इसका भूमिका वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं क्या है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धारता का कौन सा प्रमुख कारण था बताइए कौन सा कारण था तो याद रखना है कि ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमिका लगाना चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है सत्रह दिसंबर उन्नीस को किसने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सांडर्स को गोलियों से भून दिया बताइए किसने भूना था तो याद रखना है कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु तीनों ने भून दिया था तो क्या होगा उपयुक्त सभी होगा अगले क्वेश्चन क्या असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किस पत्र ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का नाम ही हो गया है बताइए किसने कहा था याद रखना किसने कहा लुई फिशर ने कहा था अगला क्वेश्चन क्या है किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदारों और पूंजीपतियों के जुए से भी स्वयं को मुक्त करना होगा ये कथन किसने कहा था बताइए आप लोगों को याद रखना इसके ये कथन भगत सिंह ने कहा था चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं क्या निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन असत्य है बताइए इनमें से कौन सा कथन शिवाजी के लिए असत्य है तो याद रखना कौन सा कथन शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थायी साम्राज्य छोड़ा चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं क्या है रानी गोडी नेल्यू किस राज्य से संबंधित है बताइए किस राज्य से संबंधित है याद रखना किसे नागालैंड से संबंधित है अगला क्वेश्चन क्या है उन्नीस में गांधी जी के बारे में किसने कहा एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी असफल रहे बताइए किसने कहा था याद रखना किस नेता विट्ठल भाई पटेल ने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस युग में प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था बताइए किसने दिया था याद रखना <coughs> मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली ने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता के लाखों लाख भूखे लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता में शामिल होनी चाहिए तो बताइए किसने कहा था याद रखना उन्नीस में कराची अधिवेशन के दौरान कहा गया था चलिए अगले क्वेश्चन क्या है विभिन्न राजवारों में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी तो याद रखना है कब किया गया था उन्नीस सौ ईस्वी में किया गया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उन्नीस सौ के दौरान धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिकता की लहर में अनेक मुसलमान बह गए मगर कुछ दूसरे मुसलमान सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे इनमें से शामिल किसने कौन कौन से इसमें शामिल थे तो याद रखना कौन कौन सा शामिल था कि सब ये भी शामिल थे ये भी ये भी और ये भी कहने उपयुक्त सभी शामिल थे चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं यह आंदोलन पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के कारण था न कि आंदोलन के किसी एक भाग के आरंभ में इसके प्रमुखता नेता नरमपंथी थे किंतु बाद में इसकी नेतृत्व क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया यह कथन किस आंदोलन को संदर्भित करता है बताइए कौन सा आंदोलन को यह संबर्धित करता है याद रखना कौन सा स्वदेशी आंदोलन को चलिए अगले क्वेश्चन क्या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने कहाँ पर समांतर सरकार बनाई बताइए कहाँ पर सरकार बनाई थी याद रखना कहाँ पे जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिला यहाँ भी किया था बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में ही हुआ था बम्बई के सितारा जिले उपयुक्त सभी क्या ऑप्शन नंबर डी होगा चलिए अगले क्वेश्चन क्या ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लिनमेट एटली ने कब घोषणा की ब्रिटेन जून उन्नीस तक भारत का शासन छोड़ देंगे बताइए कब यह घोषणा किया था तो याद रखना कब किया था 20 फरवरी उन्नीस को किया था चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या भारत और पाकिस्तान को स्वाधीन होने की घोषणा कब की गई थी बताइए इसका क्या होगा याद रखना तीन जून उन्नीस में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारत में शामिल होने के लिए किस रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था बताइए किस में कराया गया था याद रखना जूनागढ़ में नेक्स्ट क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार ने आजाद हिंद फौज की किन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया बताइए किन मुकाद, किसके पर मुकदमा चलाया तो याद रखना जनरल शहनवाज और जनरल गुड़ दयाल सिंह और जनरल प्रेम सहगल पे कहने ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं क्या है भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की इनमें से उसकी सहायता एक पुराने क्रांतिकारी ने की बताइए किसने किया था याद रखना किसने किया था रास बिहारी बोस ने किया था नेक्स्ट ने ने क्वेश्चन क्या है व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही बिनोवा भावे थे इन्हें प्रथम सत्याग्रही चुनने के पीछे क्या कारण था बताइए इसका क्या याद रखना क्या होगा बिनोवा भावे द्वारा गांधी जी की खूब सेवा सत्कार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मुस्लिम लीग ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया गया कि स्वाधीनता के बाद देश को दो भाग कर दिया जाए और पाकिस्तान नाम एक अलग राज्य बनाया जाए बताइए किस ईस्वी में कहा था याद रखना है उन्नीस में चालीस में कहा था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष उन्नीस सौ सैंतीस में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता से आग्रह किया कि चीन के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचे कांग्रेस ने किस वर्ष डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल भी चीन सेनाओं के साथ काम करने के लिए भेजा होता है किस ईस्वी में भेजा था याद रखना अड़तीस में चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है उन्नीस के चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली गांधी जी इस चुनाव के दौरान कितने चुनाव सभा को संबोधित किया बताइए कितने चुनाव को संबोधित किया याद रखना एक भी चुनाव को संबोधित नहीं किया था चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है किस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की बताइए किसने कि याद रखना किसमें स्वविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया था चलिए अगले क्वेश्चन किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार किस वर्ष वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं किया बताइए किस वर्ष आयोजित नहीं किया याद रखना उन्नीस में आयोजित नहीं किया था चलिए अगले क्वेश्चन जाते क्या अहमदाबाद में किस मालिक और मजदूरों के बीच संघर्ष हुआ मिल मालिक कितने प्रतिशत मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हुए बताइए तो याद रखना कितने प्रतिशत पे सहमत हुए तो कितना थर्टी फाइव परसेंट पे चलिए अगले क्वेश्चन क्या है किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ थे बताइए किस आंदोलन के साथ थे याद रखना खेरा आंदोलन अगला क्वेश्चन क्या है गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंदुत्व और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जो कि आगे सौ वर्ष तक नहीं मिलेगा बताइए किस आंदोलन के, के दौरान कहा था याद रखना है खिलाफत आंदोलन के दौरान कहा था चलिए अगले क्वेश्चन क्या है कांग्रेस के इतिहास में दूसरी बार विशेष अधिवेशन दिस सितंबर 1920 में कहा हुआ था बताइए कहां हुआ था, था। याद रखना कहा कलकत्ता में हुआ था अगला क्वेश्चन क्या है साप्ताहिक पत्र कर्मक यंग इंडिया व न्यू इंडिया संबंधित है बताइए किससे संबंधित याद रखना महात्मा गांधी और एनडी बेसेंट से संबंधित है अगला क्वेश्चन क्या बाल है बाल गंगा तिलक से संबंधित कथनों पर विचार करें निम्नलिखित कथन से असत्य कथन को चुनिए बताइए कौन सा कथन असत्य है तो याद रखना कि ऑप्शन नंबर डी है गलत है इन्होंने अठारह सौ नब्बे में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का आरंभ किया अगला क्वेश्चन क्या है गांधी जी को किसने समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही नहीं सीमित रखें बल्कि महिलाओं तक विस्तारित करें बताइए गांधी जी को किसने समझाया था तो याद रखना है किसने कमला देवी चट्टोपाध्याय ने समझाया था चलिए अगले क्वेश्चन क्या है क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को निर्मरता नी, के साथ कुलने का प्रयास किया गया इसी क्रम में किन क्रांतिकारियों ने सक्रिय राजनीतिक से संन्यास लिया बताइए किन्ों ने लिया था बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष इस दोनों में से किसने लिया था तो याद रखना दोनों ने ही लिया था क्या ऑप्शन ए और बी दोनों अगला क्वेश्चन क्या है उन्नीस के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे इनमें से कौन सा प्रमुख है बताइए इनमें से कौन सा प्रमुख याद रखना कि तीनों प्रमुख थे क्या ऑप्शन नंबर डी होगा चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो गुट उदारवादी और गर्मपंथी गुट में अध्यक्ष पद को लेकर 1906 में ताना हुई अंत में अध्यक्ष पद के लिए किसने चुनाव किया बताइए किसने चुना किया चुना गया किस बताइए ऑप्शन कौन होगा याद रखना कौन चुना गया था दादा भाई नरोजी चुना गया था चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया किस समिति रिपोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर बंगाल विभाजन को उन्नीस में रद्द करने की घोषणा की बताइए कौन सा समिति जिसके कौन सा अरुण डेल समिति थी अगला क्वेश्चन क्या भारत कायरतापूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देखते रहे इसके बजाय मैं उसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार समझना यह कथन निम्न से किसका था बताइए किसका था याद रखना किसका था महात्मा गांधी का चलिए अगले क्वेश्चन पर क्या है निम्नलिखित आंदोलन को अपने परिणाम से सही सुमिलन करिए बताइए ये जो चारों आंदोलन है इसमें से किसका कौन सही है नहीं है तो याद रखना इनमें से किसी का सही नहीं है चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है अठारह की क्रांति में बम्बई कलकत्ता मद्रास के बड़े व्यापारियों ने अंग्रेजों के साथ दिया क्यों की बताइए क्यों साथ दिया था याद रखना व्यापारियों को अधिकांश मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के साथ होने वाले विदेशी व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से होता था अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है बताइए सुमिलित कौन कौन सा है तो याद रखना कि ऑप्शन नंबर क्या होगा सिर्फ केवल तीन जो है ना मेरा सही है ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा चलिए अगले क्वेश्चन पर निम्न में से किस संगठन ने काउंसिल के चुनाव में शामिल होने के अतिरिक्त कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को स्वीकार किया बताइए क्या होगा स्वराज पार्टी अगला क्वेश्चन क्या है उन्नीस के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था बताइए इसका प्रावधान क्या याद रखना है इसने लड़कों और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते क्या है इंडियन सिविल सर्विस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे बताइए इंडियन सिविल सर्वी सर्विस में प्रथम कौन थे याद रखना अठारह में सत्येंद्र नाथ टैगोर थे चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं सन अठारह में कौन सी घटना कार्य नहीं घटी हुई बताइए क्या होगा अठारह सौ तिरानवे में ही सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हुई चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के अंदर बामप्रंथ का पोषण निम्न में से कौन थे बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा याद रखना केवल तीन और चार सही है कहने का मतलब सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू चलिए अगले क्वेश्चन पे डेविड हेयर से संबंधित असत्य कथन का चयन लिए बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा असत्य कथन याद वे आयरलैंड के निवासी थे नेक्स्ट क्वेश्चन जनजातीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करिए बताइए कौन सा कथन <coughs> याद रखना चारों चारों जो कथन है इनमें से बताइए कौन सा कथन असत्य है हमको असत्य कथन रहा है तो याद रखना कौन सा कथन केवल दो कथन जो है ना असत्य है अगले क्वेश्चन पे है रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन दिवस मनाने का सुझाव दिया बताइए किसके रूप में दिया था याद रखना रक्षाबंधन दिवस के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए इनके घटित होने का सही काल अनुसार बताइए अनुक्रम बताइए इसका अनुक्रम क्या क्या होगा याद रखना सबसे पहले क्या हुआ था कांग्रेस लीग समझौता हुआ था उसके बाद जलियां वाला कंड हुआ था उसके बाद कौन चोरी चोरा कांड हुआ उसके बाद स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था चलिए अगले क्वेश्चन क्या है पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर से संबंधित कौन सा कथन असत है चारों ऑप्शन है चारों ऑप्शन बताइए कौन सात याद रखना ऑप्शन नंबर डी असत है हमारे देश की उच्च जातियों में पहली कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर अठारह को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी देखरेख से हुआ ये गलत है चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं क्या है वर्ष अठारह में किसने विधवा विवाह समाज की स्थापना की बताइए किसने की थी विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से असत कथन का चयन करें बताइए चारों ऑप्शन है चारों ऑप्शन में से कौन सा असत कथन है तो वो ऑप्शन नंबर डी होगा सयासी विद्रोह समाप्त करने का श्रेय वारिंग हेस्टिन को दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लॉर्ड वेलेजली ने सन अट्ठारह में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला बाद में किस वर्ष से यह प्रशिक्षण की व्यवस्था कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड में हेलीवरी

ने सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया बताइए किस आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद बताइए क्या होगा इसका आंसर तो याद रखना असहयोग आंदोलन अगला क्वेश्चन क्या है कड़ाई सुनित करने के लिए चारों दिया हुआ चारों में से किसका कौन सा सही है कि गलत है तो याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आरंभ किया बताइए कब किया था याद रखना कि कब अगस्त प्रस्ताव के बाद किया था अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित असत कथन का चयन किया बताइए कौन सा कथन असत है तो याद रखना कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना असत कथन इस कंपनी ने सोलह में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की अगला क्वेश्चन क्या है अठारहवीं सदी से संबंधित असत कथन का चयन किया बताइए कौन सा कथन असत है तो याद रखना कौन सा ऑप्शन नंबर डी नागौर के शेख साहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद और अजमेर के राजा क्या करते थे अगला क्वेश्चन क्या मैं किसी अन्य महाजनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समाज परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में इतने सद्गुणों और खूबियों में की संयोज रखा जो यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है यह कथन किसने कहा था बताइए यह कथन किसने कहा याद किसने कहा था जॉन मेलकम ने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन हैदर अली ने सत्रह में किस स्थान पर एक अधिक आधुनिक शास्त्रगार स्थापित किया कहां क्या गया था याद रखना डिंडी गुल में क्या था अगला क्वेश्चन क्या है टीपू के राज्यों के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और प्रतिशित किया जाता था उपयुक्त कथन किसका है बताइए यह कथन किसके द्वारा कहा गया था कि टीपू के राज्य कि किसानों को संरक्षण मिलता था उनको उनको जो श्रम मिलता था उनको प्रोत्साहन मिलता था और पुरस्कृत किया जाता था बताइए ये कथन किस किसने कहा था तो याद रखना किसने कहा था सरजान शोर ने कहा था अगला क्वेश्चन है रंजीत सिंह से संबंधित असत्य कथन का चयन करें बताइए कौन सा कथन असत्य है याद रखना ऑप्शन नंबर डी इनकी फौज एशिया की सबसे अच्छी फौज थी अगला क्वेश्चन क्या है किसके बारे में कहा जाता है कि अपने सिंहासन से उतर कर, मुसलमान फकीरों के पैर की धूल अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ता था बताइए क्या होगा इसका रंजीत सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कांग्रेस ने अपनी लखनऊ अधिवेशन में बताइए लखनऊ अधिवेशन में क्या स्वीकार किया था याद रखना सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया अगला क्वेश्चन क्या है पानीपत की तृतीय युद्ध के बाद सत्रह पेशवा कौन बना बताइए कौन बना था याद रखना माधव राव ने बना था और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा बताइए कौन सा युद्ध के बाद कहा जाता है याद रखना पानीपत तृतीय युद्ध के बाद ये बात कहा जाता है थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह से मैं आप लोगों को परफेक्शन आई का जैसे ही टेस्ट सीरीज़ दो आएगा उसी तरह से मैं आप लोग कराऊंगा इसमें क्या अभी तो सब्जेक्टिव वाइज़ चल रहा है उसके बाद क्या करेगा सेक्शनल वाइज चलेगा बाद में क्या होगा पूरा आपको एक टेस्ट सीरीज दिया जाएगा फुल टेस्ट सीरीज सब मैं आप लोगों को हर एक सप्ताह करवाऊंगा तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए जिससे आप लोग को परफेक्शन आइए का हर एक टेस्ट सीरीज आपको मिल सके और आप लोग उसका प्रैक्टिस कर सके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो